हरदा फटाका फैक्ट्री ब्लास्ट के पीड़ितों ने हरदा से हंडिया मां नर्मदा की और शासन प्रशासन को सद्बुद्धि के लिए पैदल यात्रा निकाली और मां नर्मदा के हंडिया स्थित विद्यनाथ घाट पर पहुंचकर मां नर्मदा से प्रार्थना की सद्बुद्धि दें। इस न्याय यात्रा में हरदा ब्लास्ट पीड़ित परिवार के लोगों के अलावा समाजसेवी कांग्रेस नेत्री अवनी बंसल, किसान नेता केदार सिरोही, पूर्व कांग्रेस जिलाध्यक्ष लक्ष्मी नारायण पवार, आनंद जाट, कांग्रेस नेता रामचरण शिंदे सहित सभी युवा नेताओं ने हरदा ब्लास्ट पीड़ित परिवारों के साथ हरदा से हंडिया 21 किलोमीटर की यह पैदल यात्रा में शामिल हुए। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हंडिया से संवाददाता बलवीर सिंह खत्री हमारे साथ जुड़ गए हैं। बलवीर, आज हरदा फटाका फैक्ट्री ब्लास्ट के पीड़ितों ने ये एक यात्रा निकाली है जिसमें सभी लोग शामिल हुए, साथ ही सद्बुद्धि देने की भी प्रार्थना की गई है। ये पूरा मामला क्या था और आज इस यात्रा में कौन कौन शामिल हुआ? आकांक्षा, आपको बताऊं कि ये मामला 5 माह पहले का है। बम ब्लास्ट कांड को लेके अभी तक पीड़ित परिवारों को कोई भी सहायता नहीं मिली जिस प्रकार से मिलना चाहिए थी। इसी को लेके आज पूरा पीड़ित परिवारों ने मां नर्मदा से सद्बुद्धि देने के लिए प्रशासन और अधिकारियों को पद यात्रा निकाली गई जो हंडिया तक आई हैं और मां नर्मदा से उनको सद्बुद्धि देने के लिए प्रार्थना की। आकांक्षा, ठीक है बलवीर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। साथ ही आपको बता दें कि हंडिया में ये पद यात्रा निकाली गई जिसमें सभी अधिकारियों को सद्बुद्धि देने की भी मां नर्मदा से प्रार्थना की गई है। साथ ही आपको बता दें कि इस पद यात्रा में कई समाज सेवी और पीड़ित परिवार के लोग भी शामिल हुए।